अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे सुबह जब स्कूल जाते हैं उस वक्त उनका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता नाश्ता करने के, तो मैं उनको हल्का फुल्का चाय के साथ ब्रेड या रस दे देती हूँ। तो इस टाइम जब वो स्कूल से वापस आते हैं, मैंने भी नाश्ता करना होता है, तो फिर मैं उनके लिए भी रेडी कर देती हूँ। तो ये है मेरा बेटा रियान, जो बहुत अच्छा है, जो मेरे साथ मेरे हर काम में बहुत हेल्प करवाता है। तो यहाँ पे ने आमलेट भी खाना था, मैंने साथ ही आमलेट का बैटर तैयार किया और मैंने आमलेट बनाया। और आपको पता है कि गैस का बहुत इशू है, लोड शेडिंग होती है बहुत ज़्यादा गैस की आजकल सर्दियों में, तो बस हमारे काम जो है ऐसी। और यहाँ पे मेरे पास शामी कबाब थे, मैंने वो भी रेडी किया और ये बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद दोपहर हो गई तो हम लोग यहाँ पे बाहर मार्केट जा रहे थे थोड़ा खाने पीने का सामान लेने के लिए। तो सोचा कि बाहर जब क्या लेना है आपने, डिप नहीं खानी है, आपका गला ख़राब है ना आगे। नहीं, बहुत खांसी हो रही है, आप कुछ और ले लो। नहीं नहीं टैंक भी नहीं लेना, कोई और चीज़ ले लो। क्या लेकर दूँ आपको, ये क्या करना है आपने। क्या लेकर आई हो, क्या क्या लिया आपने। चीज दिया और मार्शमेलो भी। आज बहुत सर्दी थी बाहर। ये जब हम मार्केट से वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में दो बिल्लियाँ नज़र आईं, जो गुस्से में शायद आपस में थोड़ी गॉसिप्स कर रही थी। तो ये जैसे ही हम अपने घर में एंटर हुए और बच्चों ने आते साथ ज़िद की कि हमें नूडल खाने हैं, फिर मैंने नूडल तैयार किए। और फिर रियान, जरिश और अरीशा जो है, उन्होंने कहा हम भी आपकी हेल्प करते हैं, वो भी मेरे साथ शुरू हो गए। और साथ ही जो है ये नूडल पक कर तैयार हो चुके हैं। और नूडल जो है बच्चों को ज़्यादातर सूपी पसंद है, तो मैंने फिर थोड़े सूपी नूडल बनाए। और साथ ही बच्चों ने कहा कि हमें अब चैलेंज भी करना है। तो ये है जरिश, जरिश जो है यहाँ पे वो भी साथ मेरे कुकिंग कर रही हैं। और उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें चैलेंज करना है। रियान और जरिश का चैलेंज होने लगा है, अगर रियान जीतेगा तो जरिश रियान को 500 रुपीज़ देगी, और अगर जरिश जीतेगी तो रियान देगा 500 रुपीज़ जरिश को। डन है, डन हो गया। यस, चलो ठीक है। अभी जरा नूडल्स ठंडे हो जाए ना, फिर शुरू करना है, ऐसे गरम गरम आपका मुंह जल जाएगा। और सजदा ने तो चैलेंज से पहले ही नूडल्स खाने शुरू कर दिए। और सजदा, आपके बालों में नूडल लगे हुए हैं, आप कितने पैसे दोगी मुझे। यहाँ पे नूडल्स ज़रा दरमियाने से ठंडे हो गए, तो अब चैलेंज शुरू होने लगा है। 1 2 3 गो। पानी रखो। नहीं नहीं पानी नहीं मिलना, पानी। मिर्च लग रही है, स्पाइसी है ना नूडल्स। जी। रियान तो देखो जरा मुंह ही नहीं उठा रहा ऊपर। ओहो हो, रियान रियान जीतने वाला है। मैं ढूंढ लेती मिर्चा लग रही है जरिश। हाँ, जरिश ने तो हाथों से खाना शुरू कर दिया। ओ रियान जीत गया, रियान जीत गया, रियान जीत गया। जरिश 500 तैयार करो। पानी दो पहले। तो यहाँ पे जरिश आपको मिर्चा लग रही है। और ये हमारे नेबर में से एक बच्ची आई जो शायद खीर लेके आई थी हमारे लिए, तो
तो ये माशाल्लाह खेलती है।